HIV बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हर MBBS स्टूडेंट को इसका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है जी। क्या करता है? एड्स करता है, ये भी हम सबको पता है। किस ग्रुप को बिलोंग करता है? ये RNA वायरस है, और RNA वायरस का ग्रुप रिट्रो वायरसेस जो हैं ये उनको बिलोंग करता है, ठीक है। ये दो होते हैं इसमें, एक HIV होता है और एक ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस होता है। ये टी सेल ल्यूकीमिया ही करता है, ठीक है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस एंड HIV आर द टू वायरसेस इन दिस ग्रुप रिट्रो वायरसेस। क्यों कहते हैं इनको रिट्रो वायरसेस? ये तो सबको पता होगा, इनके अंदर एक एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है कि RNA को फर्स्ट DNA में चेंज कर देता है, ठीक है, इसलिए इनको रिट्रो वायरसेस कहते हैं। RNA से DNA में चेंज हो जाता है और फिर आगे अपना प्रोसेस कंटिन्यू करता है। डिप्लॉइड वायरस होता है, इसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब हम आते हैं जी HIV की तरफ। अब HIV जो है, इसमें 8 पेजेस दिए हैं लेविंसन में, ऑब्वियसली अब 8 पेजेस में से तो कुछ भी नहीं इंसान निकाल सकता। क्या क्या पता होना चाहिए? पहले कुछ इसके सर्टन जो वायरल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें पैथोजेनेसिस का ज़रूर पता होना चाहिए। समरी में भी लिखी हुई है दो चार लाइंस, उसको आप ऐसे करें कि ये जिस तरह ये इधर मैंने लिखा हुआ है इस बुकलेट के ऊपर ही उसको शिफ्ट कर लें, क्योंकि एक ही जगह पे होना चाहिए सब कुछ। पैथोजेनेसिस का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस का सिंपल सी बात है पता होना चाहिए, और बहुत ईजी भी होती है। और इसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट UQ होता है, इसकी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो अब इसमें हो रही हैं वो पता होना चाहिए। दे आर सर्टन फंगल इन्फेक्शन, ठीक है जी। सर्टन पैरासाइट्स होते हैं जो इन्फेक्ट कर देते हैं फिर इन लोगों को, और सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफ में आ जाता है। इनके नाम आपने ज़रूर याद करने होते, तो ये भी काइंडली मैं अभी आप लोगों को बता दूँ। ये है वो पेज, ये बुकलेट का जो पेज है, ये मैंने देखा है कुछ लोगों के पास, ये जो उन्होंने ली है ये इसके USMLE फर्स्ट एड की जो वायरोलॉजी का पोर्शन, तो ये पेज खैर से है ही नहीं उनके पास, ठीक है। फिर कल को कह देना है कि जी वो तो उसमें था ही नहीं। तो ये पेज है पूरा, ये उनके नाम है, ठीक है, ये अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। तो ये पेज इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर ये फोर स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया है प्रॉफ में पिछले एक दो सालों में, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख ही नहीं पाते बेचारे। ये अभी बेशक आप इसको देख लें, द फोर स्टेजेस ऑफ अनट्रीटेड इन्फेक्शन, ऑब्वियसली जिसमें एड्स होगी, कुछ भी नहीं है इसमें, सो सिंपल। द स्टेज वन इज सिंपल फ्लू लाइक कंडीशन है। फिर जो टू है स्टेज, उसमें नो द पेशेंट इज फीलिंग फाइन, सॉर्ट ऑफ लेटेंट है। नंबर थ्री में फॉलिंग काउंट, कौन सा? CD4। और फिर नंबर फोर इज द फाइनल क्राइसिस, कि जब बहुत CD4 काउंट कम हो गया, तो दिस इज व्हाट द फाइनल क्राइसिस इज। एड्स खुद तो कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे CD4 के काउंट कम होते जाने हैं, ये देखें लेस देन 500, लेस देन 200 एंड देन लेस देन 100, तो उनके ऊपर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आती जाती हैं और पेशेंट उसके साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। इधर आते हैं जी, ब्रीफली हमें पता होना चाहिए कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या। टू टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एक तो CD4 प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ HIV अटैच करता है, फिर सर्टन कीमोकाइन है जिनमें एक है CCR5, ये इसके साथ भी अटैच कर देता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ जीन्स का बड़ा चक्कर है, अब वो उनका टेबल दिया हुआ है लेविंसन में, देख के ही इंसान कहता है जी मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन नहीं हम इसको करेंगे। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए, और बहुत सिंपल सी है, इंसान नाम ही लिख देता है कल को प्रॉफ में, कोई दो नंबर तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। इनमें एक ENV एनवेलप से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी ये कौन सी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है, GP120 और GP41, ठीक है, बहुत सिंपल होती है। जो GP120 है आपकी सिंपली, ये भी CD4 प्रोटीन्स के साथ ही अटैच करती है, और दे आल्सो हेल्प इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ CD4 प्रोटीन्स। ऑब्वियसली किसको हेल्प कर रही है? HIV को, वायरस को कर रही है। जो GP41 है ये होस्ट सेल के साथ वायरस की फ्यूजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एनवलप हो गई, फिर इसके अंदर कुछ इसकी गैग जीन्स होती हैं। जो गैग जीन्स होती हैं ये उसके जो प्रोटीन कैप्सिड है, हर वायरस के का एक कैप्सिड होता है, ये उसके साथ अटैच करती है, ठीक है। फिर कुछ टैट जीन्स हैं इसके अंदर, टैट जीन्स जो हैं ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये उसको हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो हो रही है RNA टू DNA में, ये उसको हेल्प कर रही है, ठीक है। फिर एक इसके अंदर पोल जीन्स,
ये बहुत ही ईजी है। ये पोल जीन्स जो है ये इन एंजाइम्स को कर रही हैं। एक तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके अंदर होता है, ठीक है, ये जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। फिर एक इसके अंदर इंटग्रेज एंजाइम है, वो अपने नाम से ही बता रहा है कि वो इंटग्रेट इंटू द होस्ट सेल्स में हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर कुछ सिंपल प्रोटीएसेस होते हैं, तो ये आपका पोल जीन करता है। फिर एक नेफ जीन है, NEF, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नेफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। ये नेफ प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं इसकी पैथोजेनेसिस में। किस तरह? एक तो ये भी CD4 प्रोटीन्स एनहेंस द CD4 सेल्स के काउंट को डिक्रीज करता है। सेकेंडली ये MHC Class 1 प्रोटीन्स के नंबर को भी डिक्रीज करता है। अब इम्यूनिटी ज़रा जहन में लाएं, MHC Class 1 प्रोटीन्स जो हैं इनके साथ अटैच करते हैं CD8 सेल्स, ठीक है। CD8 सेल्स जो होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये मेन डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट वायरसेस। तो जब MHC-1 ही कम हो गया तो कम CD8 उसके साथ अटैच करेंगे। एक ये मैकेनिज्म, और साथ ही जो ये आपके नेफ जीन्स नेफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये CD8 का इटसेल्फ भी नंबर कम कर देते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे जो पैथोजेनिस के जो मैकेनिज्म्स हैं जो पैथोजेनेसिस कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अगर आपको याद रहता है प्रॉफ में तो ये तो ज़रूर लिखें कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैथोजेनेसिस पॉइंट इन द HIV इज डिक्रीजिंग द CD4 सेल्स, एंड व्हेन द CD4 सेल्स दे आर लेस देन आर इक्वल टू 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये जब हो जाता है तो इसको एड्स कहते हैं। ये पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए सबके, ठीक है, कि एड्स बेसिकली है क्या। द CD4 सेल्स व्हेन दे आर लेस देन आर इक्वल टू 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, सो इट इज़ कॉल्ड एड्स। ये इसकी पैथोजेनेसिस है। इतना कम अज़ कम प्लीज करने की कोशिश जो है वो हम ज़रूर करेंगे और करना चाहिए भी, ठीक है। डायग्नोसिस बहुत ईजी है, इधर अब आपको तसल्ली हो जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें। एलाइजा से स्क्रीनिंग कर लेते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट एक टेस्ट होता है, ये बहुत कन्फर्मेटरी है, ये एग्जामिनर की आँख किसी को ढूंढ रही होती है पेपर में, ठीक है। फिर आपका वायरल लोड चेक कर लें, ठीक है, PCR कर लें, उससे वायरल लोड का पता चल जाएगा। और फिर CD4 सेल काउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। CD4 सेल के काउंट जो है ना, ये आपने कर लेने, ये चार पॉइंट्स आप लिख दें, यू विल गेट जितने भी 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, यू विल गेट द फुल मार्क्स। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, उस पर अभी हम चलते हैं। ये आप देख लें, ये जो मैंने अभी आपको जीन्स बताई हैं, ये उन्हीं का थोड़ा थोड़ा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जो नहीं इसमें लिखी हुई वो प्लीज़ आप ऐड कर लें, जैसे मैंने ये ट्रैट ऐड की हुई है, ठीक है। ये नेफ यहाँ पे आप ऐड कर लें, नेफ जो है ये CD4 को भी कम कर रही है, ठीक है, और MHC Class 1 प्रोटीन्स जो हैं उनको भी कम कर रही है, और ये CD8 के लेवल को भी डैमेज कर रही है, उसको भी कम कर रही है, ठीक है। ये उन्होंने इधर इसकी डायग्नोसिस बहुत अच्छी लिख दी है, ये अलग से पॉइंट्स लिख लें, और जो पैथोजेनेसिस के मैकेनिज्म है वो भी प्लीज़ यहाँ पे लिख लें। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस नाम आने चाहिए जी इनके आपको। कैंडिडा फंगस है हमारी, एब्सटेंट बार वायरस इन पर अटैक करेगा, हेरी ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है इन पेशेंट्स में, ठीक है। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 कुपोसी सार्कोमा करता है। क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये अगर आपको पैरासाइट्स ने याद हो, ये एक प्रोटोजोन होता है, डायरिया करता है इन लोगों में। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कार्सिनोमास करता है, वॉट्स करता है, ये तो आपको DNA वायरस से पता ही है। ये एक बैक्टीरिया है इधर छुपा हुआ, बार्टोनेला हेंसेला, हर साल MCQ आता है, फिर कहते हैं जी हमें पढ़ाया नहीं था ऐसे, जो जो पढ़ाया था वो तो उसमें तो आलम फाजल सब ने अदीब फाजल की डिग्री कर ली हुई है ना, तो एक बार्टोनेला इनको नहीं बस पढ़ाया ना किसी ने। तो बार्टोनेला हेंसेला इज़ अ ग्राम नेगेटिव रॉड, ये जूनोटिक्स की क्लासिफिकेशन जो है ना ये उसके अंदर होती है, आप क्लासिफिकेशन के पेजेस देखें वहाँ लिखा हुआ है। बार्टोनेला हेंसेला एक तो ये करता है कैट स्क्रैच डिजीज़, थोड़ा सा दिमाग को स्क्रैच करें तो आपको याद आएगा, ये इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा, ठीक है। और एक ये करता है बेसिलरी एंजियोमेटोसिस कर देता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया, ये इतनी बातें ज़रूर पता होना चाहिए बार्टोनेला हेंसेला की। फिर वो कह रहे हैं कि व्हेन द सेल काउंट इज़ लेस देन 200 हो गया, तो फिर इसमें टॉक्सोप्लाज्मा की इन्फेक्शन हो जाती है इन लोगों में, प्रोटोजोन है सबको पता है, ठीक है। ये JC वायरस आपको DNA में बताया था, बस इनके नाम आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमोसिस्टस जीरोवेसी, ठीक है जी, क्या है ये,
ये हो ही नहीं सकता कि एमसीक्यू कभी ना आए थर्ड ईयर को प्रॉफ में. न्यूमो सिस्टस जीरो वीसी, पहले किसी हमारे वक्तों में इसका नाम होता था न्यूमोसिस्टिस करीनियाए, अब उन्होंने चेंज कर दिया. पहले ज़मानों में वो समझते थे कि ये पैरासाइट है, प्रोटोजोन है, वो ये समझा करते थे. फिर लेटर ऑन उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने, कि नहीं जी ये एक फंगस है, ठीक है, और ये करता क्या है, ये नमूनिया कॉज करता है. और ये हमेशा आपने याद रखना है, फाइनल ईयर में भी आता है एमसीक्यू. इसका जो नमूनिया होता है उसके एक्सरे की जो स्पेसिफिक अपीयरेंस होती है उसे कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है. ये लफ्स होते हैं, बस याद कभी मेमोरी में रह जाते हैं तो एमसीक्यूज में देख के फिर याद आ जाते हैं, ठीक है. लेस देन 100 हो जाए तो जी एस्परजिलस, हमें सबको पता है, हमने किया भी था माइकोलॉजी में. क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस, ये मैंने बनाई भी है, याद है, इंडिया इंक मेनिनजाइटिस में उसके CSF में इंडिया इंक डालें तो ये बडिंग ही सेल, हैवीली कैप्सुलेटेड, ठीक है. कैंडिडा की इन्फेक्शन, फिर साइटोमगैलो वायरस, आउलजाइलिजन कभी नहीं भूलना, एब्सटेन बार वायरस की इन्फेक्शंस भी हो जाएगी, फिर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, सिस्टेमिक माइकोसिस, एवीएम इंट्रासेलुलर, ये अगर आपको याद हो रनियान क्लासिफिकेशन में एवीएम इंट्रासेलुलर की भी इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है. तो इसमें ये मोटे मोटे आपको नाम आने चाहिए प्रॉफ में, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में कौन कौन से बैक्टीरिया, दो ही आए ना इसमें, एवीएम इंट्रासेलुलर आया है और बार्टोनेला हेंसेला आया है, ठीक है. बाकी कुछ अपॉर्चुनिस्टिक वायरल इन्फेक्शंस हैं, ह्यूमन हर्पीज 8, एब्सटेन बार, साइटोमगैलो, ठीक है, जेसी वायरस, और पैरासाइट जो है वो क्रिप्टोस्पोरिडियम है और आपका टॉक्सोप्लाज्मा है, और फंगाई तो बहुत सारे, आपका कैंडिडा है, क्रिप्टोकोकस है, हिस्टोप्लाज्मा है, स्पर्जिलोसिस है, ठीक है. ये प्लीज़ इतना ज़रूर कर लीजिएगा.